रहा, अब शुरू हुई रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ची यस मूवमेंट, हाँ, ना तो वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, ची हर जगह किसी भी डायरेक्शन में ची मूव कर सकती है। हम हाथ को किसी भी डायरेक्शन में, हम बॉडी डांस करती है ना, डांस कैसे करती, ची ही तो मूव करती है। डांसिंग क्या है, ची की मूवमेंट है, हर दिशा में ची मूव कर सकती है। भाई वर्टिकल मेरिडियंस खाली जान जाने से नहीं होगा, केवल 71 मेरिडियंस को जानने से नहीं होगा, नहीं वो 71 भी ऐसे निकले क्योंकि ची इधर से भी जा रही उधर से भी जा रही, तो उन्होंने ट्रेस करने का कोशिश किया, तो करते करते 71 मेरिडियंस निकला। फिर तमाम एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ गए, क्यों भाई एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्यों आ गए, वहां कैसे पहुंची ची, क्योंकि ची हर दिशा में जा रही है। तो वो टुकड़े टुकड़े में चाइनीज ने पढ़ना सीखा, टुकड़े टुकड़े में उसने आइडेंटिफाई किया। अब हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकली उसको हम फिट कर रहे हैं, क्या करें कैसे करें, आधार चाइनीज विजडम ही है, नो डाउट, मेरा कुछ नहीं है, उन्हीं का है। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, बस थोड़ा आगे बढ़ाना, हमारे बाद कोई आएगा उसको और आगे बढ़ाएगा। हाँ भाई, और कुछ किसी को पूछना हो? सर, मैंने वो ग्रुप में वो एक केस भेजा था लिख के। हाँ बहुत अच्छा केस था, आई रेड इट, आई वॉज वेरी हैप्पी। एक थोड़ा सा मुझे ये था इम्प्रूवमेंट का, बहुत हल्का सा, बट अदरवाइज यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छा केतन, आई एम वेरी प्लीज, यू हैव रियली अंडरस्टूड द थिंग, थैंक यू सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने फटाफट सीखा भी और अप्लाई करना शुरू कर दिया, बहुत सर अच्छा। अभी तक जितना सीखा है सब अप्लाई किया सब ने। जी बस ऐसा ही चाहिए हमको, आदमी सीखे और अप्लाई करे और फीडबैक देता रहे। चलो ठीक है, इट्स ओके। सर, एक क्वेश्चन था इस लॉन्ग मेरिडियन में, इसमें ब्लड, ये अभी तक अभी हमने सीखा ना, उसमें जो मेरिडियन ची है उसमें यिन में यिन ची ज्यादा या टोटल ची की बात है यहाँ? क्या चीज नहीं समझे मैं? जैसे UBSI है तो उसमें नॉर्मल लिखी है, LIST है तो एक में हाई है और एक में वेरी हाई, ब्लड हाई है और मेरिडियन ची वेरी हाई है, तो उसमें यांग ची ज्यादा है या टोटल ची ज्यादा है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, पूरा इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। आर यू प्रिपेयर टू वेस्ट वन डे, आज का दिन उसी में जाएगा। अच्छा, एक टेबल है आपके पास, किताब है ना, बुक, हाँ सर, बुक खोलो, नेक्स्ट पेज, ये किस पेज पे है, 45 पे है, 44 पे। 44 पे, 45 पे देखो, इंटेंसिटी ऑफ ची इन मेरिडियंस लिखा हुआ हाँ है। अब देखो, आप देखो, आप इंटेंसिटी ऑफ ची इन मेरिडियंस। 12 मेरिडियन है ना, किस मेरिडियन में यांग है, किस मेरिडियन में यिन है, कैसे कैसे पूरे दिन में यिन बढ़ती है यांग बढ़ती है, तो पेज 45 के बाद पेज 46 भी देखना। ये मॉडल हमने तैयार किया, बहुत से मॉडल लोगों ने तैयार किए हैं, ये मॉडल हमने तैयार किया हुआ। सर, ये जो बुक बुक आप रेफर करते हैं ना, ये बुक का थोड़ा नाम बताइए प्लीज। जनरेशन एंड ओके सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ची, ओके सर। मेरी ही किताब है, आपके पास बुक है, आप पढ़ना केतन भाई, नहीं समझ में आएगा हाँ तो सर, आप पूछना, ठीक है? हाँ सर, तो आगे हम लोग अभी बॉडी फ्लूइड्स पे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। फ्लूइड्स और ची, इन दोनों में यिन कौन है यांग कौन है?
आप लोगों को हमने बॉडी फ्लूइड्स के बारे में वहां तक बताया था, कहाँ तक? जब ब्लड की जनरेशन की बात कर रहे थे तो हमने प्योर फ्लूइड और इम्प्योर फ्लूइड के बारे में बताया था, ठीक है ना? अगर उसमें कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज बॉडी फ्लूइड है क्या, ची क्या है, हमने बताया था, अगर आप लोगों को याद हो ची क्या है जरा फिर से बताओ एक बार, कौन बताएगा? डॉक्टर सुमन, इन प्लस यांग इज इक्वल टू ची, और ची इज ए प्रोसेसर। ये तो नट सल शल में हो गया। देखो और बताओ, और कौन बता सकता है ची कहां से आई? ची का बहुत बड़ा रेंज है, ची कैन बी वेरी वेरी सटल, बिल्कुल पराभौतिक, न दिखने वाली, बहुत सूक्ष्म हो सकता है, और ची बिल्कुल ग्रॉस हो सकता है, मोटा हो सकता है, ठोस हो सकता है, जिसे छू सके। देखो ना, बर्फ है, पानी है और भाप है, वही चीज जब बर्फ के फॉर्म में है तो हम क्या कहते हैं, यिन है, और भाप क्या है, यांग है, और सुपर हीटेड स्टीम हो जाए तो भाप भी नहीं दिखती। तो ची का रेंज ऐसा है कि हम बिल्कुल देख ही नहीं सकते, कुछ सोच भी नहीं सकते, इतना सूक्ष्म है। और ची जो ये हमारे जो दीवार बनी है, जो लोहा है, मेटल्स है, अर्थ है, ये भी ची है, सॉलिड भी ची है, गैस भी ची है, समझ में आ रही? तो ये बना कैसे? नॉन सब्सटेंशियल से सब्सटेंशियल आया, या कि सब्सटेंशियल से नॉन सब्सटेंशियल आया? अगर आपको याद हो लेवल 1 में हमने शुरू शुरू में आपको बताया क्या हुआ था, अनहद नाद की बात की थी हम लोगों ने, वाइब्रेशंस की बात की थी हम लोगों ने, वेव्स की बात की थी हम लोगों ने, और उस वेव्स का रिस्पांस क्या था, इन वेव्स जो आए, अनहद नाद जो निकला, नहीं उसके उसका वो यांग है वाइब्रेशन, उसके पीछे पीछे यिन निकला, उस यिन ने इन वेव्स को कैच किया, बांधा, एक जगह इकट्ठा किया, तो कई कई जगह 4 वेव इकट्ठे हुए, कहीं 40 इकट्ठे हुए, कहीं 400 इकट्ठे हुए, कहीं 4,000 इकट्ठे हो गए, कहीं छोटे वाले वेव ज्यादा हो गए, कहीं बड़े वाले वेव ज्यादा हो गए। नहीं, ओंकार शब्द ओ पता नहीं कितने प्रकार से ओंकार निकलता है। नहीं, ये सब तो ये ची बनाओ, इन्हीं से सारा बना हुआ विश्व बनाओ, प्राण ही बना है, यही प्राण है, और प्राण से ही सब कुछ, दिस इज द बेसिक फैब्रिक ऑफ क्रिएशन, हमने कहा था लेवल 1, बेसिक फैब्रिक ऑफ क्रिएशन है वो ची है। तो जो चीज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी, जैसे भाप है, भाप को अगर पानी बनाना हो कैसे बनेगा पल्लवी? कंडेंस कंडेंस करके करके, ठंडा करके बनेगा ना। तो ये। ये जो चीज, जो नॉन सब्सटेंशियल चीज है, वही जब कंडेंस होती है, जब ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां ठंड होगी, तो पहले बॉडी फ्लूइड्स बनती है। तो अब आप समझ गए बॉडी फ्लूइड्स और ची क्या है। ची ही जो कंडेंस हो जाती है वो बॉडी फ्लूइड के रूप में दिखती है, और ये और अगर ठंडा हो जाए और कंडेंस हो जाए तो सॉलिड हो जाए। तो बोन क्या है? बोन इज ऑल्सो ची, लेकिन बहुत यिन ची है, ठीक है ना? और गैसेस क्या है हमारे शरीर में? जो गैसेस है वो क्या, यांग है ने? नर्व की इंपल्स क्या है? बहुत यांग है। हमारे इमोशंस क्या है? यांग है। हमारे विचार क्या है? देखो कितना भी एडवांस में चले जाओ क्लास में, यिन यांग को के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे,
खूब अच्छे से, खूब अच्छे से। तो हमारे शरीर में ची बन रहा है लगातार, और हम संसार से भी बहुत सा ची ले रहे हैं बाहर से। हमारे शरीर में भी तैयार हो रहा है और हम बाहर से जो कुछ ले रहे हैं उसको भी कन्वर्ट करके ची बना रहे हैं, और ये ची की रेंज बिल्कुल नॉन सब्सटेंशियल, बहुत यांग और बहुत यिन, दोनों तरह का बन रहा है। तो ये नॉन सब्सटेंशियल से सब्सटेंशियल बनता है, तो ये नॉन सब्सटेंशियल से सब्सटेंशियल लगातार बन रहा है। जैसे वाटर वेपर से वाटर लगातार बनता रहता है, किसी भी लेक को आप समझ लीजिए, नदी को समझ लीजिए, समुन्दर को समझ लीजिए, पानी भरा हुआ है, पानी के ऊपर क्या है, पानी का वेपर है, तो पानी का वेपर ऊपर जाता है, मॉलिक्यूल्स वो नॉन सब्सटेंशियल दिखाई नहीं देते, और फिर वही पानी के मॉलिक्यूल्स, वेपर के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं, वापस पानी में मिल जाते हैं, एक इक्विलिब्रियम हो जाता है, उसको कहते हैं वाटर वेपर का प्रेशर। ये वाटर वेपर का प्रेशर अगर ठीक है, अगर ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, बढ़ गया तो लिक्विफिकेशन ज्यादा हो जाएगी, और अगर प्रेशर कम हो गया तो लिक्विड एवेपोरेट कर जाएगा। यही टेक्निक आपके फ्रिज में काम आती है। कैसे काम आती है, बड़े बड़े पाइपों से छोटे पाइपों में, और छोटे पाइपों से छोटे रेडियस के पाइपों से बड़े पाइपों में हम गैस को भेजते हैं, जिसकी कूलिंग इफेक्ट होती है। कूलिंग इफेक्ट मान लो क्या होगा, गैस अगर लिक्विड में बनेगा तो क्या होगा, और लिक्विड गैस बनेगी, लिक्विड को अगर गैस बनाना है तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, हीट को अगर हमने निकाल लिया तो ठंड आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये प्रोसेस हमारे बॉडी में ची चूंकि बन भी रहा है, और बाहर से हम तमाम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, ये सब ले रहे हैं, तो ची लगातार नॉन सब्सटेंशियल से सब्सटेंशियल बन रहा है, और इक्विलिब्रियम रखने के लिए सब्सटेंशियल मतलब बॉडी फ्लूइड से वापस फिर ची बन रहा है। ब्लड कम हो जाए तो ची कम हो जाती है, और ची कम हो जाए तो ब्लड कम हो जाता है। अभी 3 दिन की क्लास में हम लोगों ने इसको समझा। अगर शरीर में ब्लड कम हो जाए तो प्राण शक्ति कम हो जाएगी, ची कम, प्राण ची क्या है, प्राण शक्ति है, कम हो जाएगी, और ची कम हो जाए तो ब्लड कम बनेगा। तो ट्रीटमेंट हम पहले ब्लड का करें, ची का करें, आपको जिसकी ट्रीटमेंट करनी है करिए, लेकिन इस बात को समझना होगा कि यिन यांग से यिन बनती है, यांग से यिन बनता है, नॉन सब्सटेंशियल से सब्सटेंशियल बनता है, और इक्विलिब्रियम अगर एस्टैब्लिश करना है तो यिन से यांग भी बनेगा। अगर नरिशमेंट नहीं मिली किडनी को, किडनी को नरिशमेंट ना मिले तो किडनी काम करेगा, लिवर को नरिशमेंट ना मिले काम करेगा, हार्ट को नरिशमेंट ना मिले काम करेगा। ये नरिशमेंट क्या है, यिन है। जब यिन मिलेगी, नरिशमेंट मिलेगी तो काम होगा। बॉडी को नरिशमेंट, खाना ना मिले, हवा ना मिले तो ची बनेगा। खाना क्या है, यिन है, यिन से यांग बन रही है और यांग से यिन बनती है। तो ये रेगुलर प्रोसेस है, यिन से यांग, यांग से यिन, हमारे बॉडी में लगातार ये प्रोसेस चल रहा है। यिन ज्यादा हो गई तो गड़बड़, यांग ज्यादा हो गई तो, मतलब कहने का कैसे जानेंगे कि ज्यादा या कम, बॉडी फ्लूइड्स को देखेंगे। अगर बॉडी फ्लूइड कहीं ज्यादा हो गई इसके मतलब यिन ज्यादा हो रही है, और बॉडी फ्लूइड कहीं कम हो गई, किसी को नरिशमेंट मिलना कम हो गया, कोई सूखने लगा, तो क्या हो गया, यिन की कमी हो गई,
इज इट क्लियर विजय आर यू देयर एक्सेलेंट सर वेरी गुड बहुत अच्छे समझ में आ रही है बिल्कुल सर सर जो ये होता है एनीमा होता है उसमें तो एनीमा या एनीमिया एनीमा और एनीमिया बहुत फर्क है अच्छा वो स्वेलिंग होता है ना स्वेलिंग स्वेलिंग तो एडिमा हो गया तो क्या अभी देखेंगे ना हम लोग वही पढ़ने वाले हैं वही पढ़ने वाले एडिमा मतलब फ्लूइड ज्यादा आ जाए इकट्ठा हो जाए ये फ्लूइड को सर्कुलेट करना है फ्लूइड को भी सर्कुलेट करते रहना है सबको नरिशमेंट सबकी प्रोटेक्शन सबको नरिशमेंट सब कुछ मिलना है ना और ब्लड क्या है ब्लड क्या है पल्लवी ब्लड एक ऐसी चीज है हर चीज को कैरी करने वाला कौन कैरियर आपसे कोई बॉडी ब्लड हर चीज को कैरी कर रहा है वो कैरी करने वाला ये एक टिश्यू होते हुए भी इसकी अपनी कोई ऐसे फंक्शनल एनर्जी नहीं है जैसे हमारी मांसपेशियों की एनर्जी है काम कर सकता है बोन की एनर्जी है आपको सस्टेन कर सकता है स्किन की एनर्जी है आप टच कर सकते कर सकता काम ऐसी एनर्जी ब्लड में नहीं है लेकिन सबकी एनर्जी ब्लड पे डिपेंड कर रही है सारे प्रकार की चीजें कौन दे रहा ब्लड दे रहा है सो ब्लड टिश्यू होते हुए भी इसकी अपनी कोई खास ऐसी एनर्जी इस टिश्यू की अकेले काम करने वाली मूवमेंट करने वाली कराने वाली एक्चुअली कर तो रही है ये कराने वाली नहीं है लेकिन बिना इसके दूसरे मूवमेंट सारे रुक जाएंगे सो ब्लड इज ए वेरी वेरी स्पेसिफिक वेरी स्पेशल थिंग इट्स प्रोबेबली यिन और यांग के बीच में ब्लड है जैसे यिन और यांग के बीच में कौन सा फेज है ट्रांजिशनल फेज अर्थ फेज उसी प्रकार यांग प्रकार की चीजें शरीर में और यिन प्रकार की चीजें शरीर में दोनों है दोनों के बीच में दोनों को जोड़ने वाली क्या है ब्लड है ब्लड यांग के साथ यांग के जैसा काम कर सकती है और यिन के साथ यिन के जैसा काम कर सकती है ब्लड बॉडी को ठंडा भी कर सकती है और बॉडी को गर्म भी कर सकती है लोगों ने ब्लड के बारे में काफी पढ़ा अभी नहीं तो इसमें अगर बॉडी फ्लूइड मतलब जो यिन है सब्सटेंशियल है सब्सटेंशियल से नॉन सब्सटेंशियल बन रहा है नॉन सब्सटेंशियल से सब्सटेंशियल बन रहा है तो अगर इसमें इक्विलिब्रियम में गलती हो गई तो अनइजीनेस आएगा डिसहार्मनी होगी तो बीमारी आएगी तो डिसहार्मनी वो कैसे नापें बॉडी फ्लूइड की कमी या उसकी अधिकता दो प्रकार से हम देख सकते हैं और तीसरा एक और प्रकार हो सकता है एक और प्रॉब्लम हो सकती है कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है कि बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए रुकावट आ जाए ऑक्लूजन आ जाए आनंद हैज नॉट कम टू दी व्हाट्स रॉन्ग जरा एक मिनट रुकिए मैं फोन करता हूं हरे कृष्णा तो ये डिसऑर्डर्स तीन प्रकार की हो सकती है बॉडी फ्लूइड में कौन कौन सी डेफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड्स हेलो क्या हुआ व्हाई आर यू नॉट हियर So, तीनों बातें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग डेफिशिएंसी देखेंगे ड्राइनेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बॉडी फ्लूइड्स की शरीर में कमी हो जाए तो सूखापन आ जाएगा बॉडी फ्लूइड्स जहां भी है उसको गीलापन रहता है सूखापन आ जाएगा तो सूखापन आने का मतलब क्या हो गया डेफिशिएंसी ऑफ क्या
यिन की यांग यांग डेफिशिएंसी ऑफ यिन 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 बॉडी फ्लूइड क्या है यिन है बॉडी फ्लूइड क्या है यिन है लिक्विड क्या है यिन है बॉडी फ्लूइड्स जितनी भी है सब यिन है चाहे वो हार्मोन होने दो पसीना होने दो आंसू होने दो यूरिन होने दो एवरीथिंग इज यिन हर बॉडी फ्लूइड क्या है यिन है बॉडी फ्लूइड का लॉस बहुत प्रकार से हो सकता है ज्यादा पसीना आ जाए तो लॉस हो जाएगा डायरिया हो जाए तो लॉस हो जाएगा वोमिटिंग हो जाए तो नहीं पेचिस वगैरह पड़ने लगती है डायरिया या वोमिटिंग वगैरह होने लगती है तो कम हो जाता है ना बॉडी फ्लूइड ऐसा नहीं डिहाइड्रेशन हो जाए और बॉडी फ्लूइड की कमी होने से ब्लड की भी कमी हो जाती है और ब्लड की कमी होने से बॉडी फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी होगी कि नहीं क्योंकि बॉडी फ्लूइड को कैरी कौन कर रहा है ले कौन जा रहा है सारी जगहों पे ब्लड ले जा रहा है तो अगर ब्लड की कमी है तो बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो जाएगी तो एक स्किल्ड थेरेपिस्ट को पता करना चाहिए कि कौन सी बॉडी फ्लूइड क्योंकि हर हर ऑर्गन की एक स्पेसिफिक इम्प्योर बॉडी फ्लूइड है और एक प्योर बॉडी फ्लूइड है नहीं? इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस ऑर्गन में बॉडी फ्लूइड्स की कमी हुई है कौन ड्राई हो रहा है यहां पर ड्राई ड्राइनेस शब्द और जो फाइव एलिमेंट में ड्राइनेस शब्द है दोनों में अंतर है यहां पर ड्राइनेस जब मैं बोल रहा हूं इसको सूखापन कहते हैं और जब फाइव एलिमेंट में ड्राइनेस सिक्स की में हम ड्राइनेस की बात करते हैं वो यिन है उसमें लिक्विड भी आ रही है सॉलिड भी आ रहा है जरा ध्यान देना बहुत से लोग ड्राइनेस जब बोलते हैं तो कंफ्यूज कर जाते हैं मेटल नहीं मेटल में क्या है कोहेसन कोहेसिव फोर्स है मेटल किसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स को कहते हैं कैसे बना है ये जो जी में जो वाइब्रेशंस है अगर वाइब्रेशन बढ़ जाए और वेवलेंथ छोटी हो जाए वही सॉलिड बन जाता है अभी मैंने आपको बताया जी में बड़े बड़े वेवलेंथ है तो नॉन सब्सटेंशियल है छोटे वेवलेंथ होंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो किसी भी नॉन सब्सटेंशियल को सब्सटेंशियल में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है और वेवलेंथ कम करने पड़ती है थोड़ी सी फिजिक्स ना मालूम होने की वजह से ये बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि ड्राइनेस का मतलब क्या है तो ड्राइनेस जहां लिखा है देख लिया ड्राइनेस लिखा है सिक्स की क्या है ड्राइनेस माने सूखी सूखी त्वचा सूखी त्वचा में ड्राइनेस कम है कि ज्यादा है ये वाली ड्राइनेस जो मैं बात कर रहा हूं वो ड्राइनेस बढ़ गई है लेकिन पंच तत्व के हिसाब से ड्राइनेस कम है ड्राई स्किन का क्या मतलब है ड्राइनेस ज्यादा है कि कम है फाइव एलिमेंट में क्या करेंगे ड्राइनेस को बढ़ाएंगे कि घटाएंगे चेतन भाई ड्राई स्किन घटाएंगे सुनीता जी ड्राई स्किन क्या करेंगे ड्राइनेस को घटाएंगे बढ़ाएं लंग्स में अनम्यूट तो करो बढ़ाएंगे सर लो भैया चेतन भाई उल्टा आ गया मामला सुमन भाई आप क्या करेंगे कम करेंगे हैं स्किन में ड्राइनेस ज्यादा है तो कम करेंगे मंत्री जी आप बताइए ड्राई स्किन में ड्राइनेस को बढ़ाएं कि घटाएं लंग्स में लंग्स की मेरिडियन में ड्राइनेस बढ़ाएं कि घटाएं कम करेंगे सर विद्या सर हीट बढ़ाएंगे और ड्राइनेस कम करेंगे अच्छा विजय जी बताइए अब आप क्लियर करिए विजय भाई लंग्स की नरिशमेंट को बढ़ाएंगे ड्राई स्किन है लंग्स की मेरिडियन में ड्राइनेस को बढ़ाएं कि घटाएं
ड्राइनेस टोन करना है सर. एक्सेलेंट. सो सुनीता एंड विजय बोथ आर करेक्ट. आज सीख लो इस बात को. फाइव एलिमेंट में जो ड्राइनेस, सिक्स की में जो ड्राइनेस है, दैट इज एक्चुअली दे आर रेफरिंग टू यिन. यिन मींस लिक्विड, यिन मींस नरिशमेंट. सूख गई स्किन क्यों? क्योंकि उसको नरिशमेंट नहीं मिली. नरिशमेंट क्या है? ड्राइनेस है. ड्राइनेस और ह्यूमिडिटी को बढ़ा दोगे तो ड्राइनेस अपने आप कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी. मतलब ड्राइनेस, ये वाली ड्राइनेस, ड्राइनेस के दो अर्थ हो रहे हैं यहां पर. बॉडी फ्लूइड्स की कमी की वजह से जो ड्राइनेस वर्ड यूज कर रहा हूं मैं वो ये. लेकिन बॉडी फ्लूइड अपने आप में इट इज मोर ड्राइनेस. बड़ी मुश्किल है. ये जो ट्रांसलेट हुआ ना चाइनीज से अंग्रेजी में, ये सारे सत्यानाश हो, सब सत्यानाश. विद्या मंत्री, मंत्री जी बहुत बड़ी बात आज आपने सीखी है, इसको लिख लीजिए. ड्राइनेस के दो अर्थ हैं, दो तरह से हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा. एक तो सिंपल जो बोलचाल की भाषा है उसमें ड्राइनेस का मतलब सूखापन. ये सूखापन यांग के बढ़ने से हो सकता है. अगर हीट बहुत ज्यादा हो गई तो क्या होगा? बॉडी फ्लूइड सारी वेपराइज कर जाएंगे, सारी भाप बन जाएगा. तो जो ड्राइनेस आएगी उसको हम ड्राइनेस कहेंगे. तो ड्राइनेस दो प्रकार से हो सकती है. नंबर एक, यिन की कमी से हो सकती है. नंबर दो, यांग की अधिकता से हो सकती है. सबने लिखा कि नहीं लिखा? बहुत मुश्किल है. दुनिया भर में जो पढ़ाई हो रही है क्लासेस में, मैं सब देख रहा हूं चुपचाप. ड्राइनेस का जैसे आप लोगों ने जवाब दिया है, मेजॉरिटी ने, सारे ग्रुप में पढ़ाया ही यही जा रहा है. तो कहां से फाइव एलिमेंट यूज कर सकते हैं? फिर ज्ञानंजन, यू ऑल्सो मेड ए मिस्टेक. ड्राइनेस को अलग परिप्रेक्ष्य, ड्राइनेस शब्द के अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब है. जब हम एक्यूपंक्चर फाइव एलिमेंट थ्योरी में ड्राइनेस की बात करते हैं तो वो यिन है, लिक्विड है, सॉलिड है, फॉर्म है उसका, सब्सटेंशियल है. लेकिन जब हम बोलचाल की भाषा में करते हैं तो गीलापन गायब है, ये मतलब होता है. तो गीलापन क्या चीज है? गीलापन, wetness is yin, fluids are yin, liquids are yin. जितनी भी liquids है body में सब क्या है? yin है. आंसू क्या है? yin है. urine क्या है? yin है. sweat क्या है? yin है. ये समझ में आ रही कि नहीं? sir of course. ये थोड़ा सा जैसे अगर हम समझे humidity, dryness और coldness, तो कोल्डनेस तो वाटर में आया, बीच में ये ड्राई कैसे हो गया? ये भी थोड़ा सा लॉजिकली भी समझ नहीं आता है कि एक साथ में कैसे बीच में ड्राई होके फिर वाटर हो जाता है. कहां बीच में ड्राई हो रहा है? तुम्हारी समझने में ड्राइनेस है, तुम्हारी बुद्धि में ड्राई. जी सर. सर क्वेश्चन इज वेरी गुड, क्वेश्चन इज वेरी गुड. अच्छा अब तुम जवाब दे दो विजय, यू शुड रिप्लाई, मैं थक जाता हूँ. फटाफट समझाओ, यू आर ए टीचर, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन. नो हियर सी इन फाइव एलिमेंट ड्राइनेस इज फ्रॉम सी फ्रॉम विंड हीट एंड ह्यूमिडिटी द प्रोसेस इज स्टार्टिंग, इट्स गोइंग टू मैक्सिमम टू ह्यूमिडिटी, फ्रॉम देयर इट इज गेटिंग कंडेंस्ड, इट इज द प्रोसेस इज स्लोइंग डाउन. सो फ्रॉम ह्यूमिडिटी इट इज वो नीचे उतर रहा है, ड्राइनेस आ रहा है, दैट इज इट इज स्लोइंग डाउन. एक डिसिप्लिन में आ रहा है, एक प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हो रहा है वो डिसिप्लिन में आ रहा है, और वहां से फिर जो है कोल्डनेस आ रहा है. कोल्डनेस इज इट वाटर, इट डजंट मीन के एक्चुअल वाटर, हम जो पानी पीते हैं या पानी यूज करते हैं, यहाँ पर वाटर का मतलब है कोल्डनेस, दैट इज एक्टिविटी एक खत्म पे आ जा रही है, स्टैंड स्टिल पे आ जा रही है. जी जी, ठीक है ना, ये वाटर का मतलब है. वाटर इज ट्रांजिशन बिटवीन वाटर वेपर एंड आइस.
वाटर इज ट्रांजिशनल फेज बिटवीन यांग एंड यिन. करेक्ट सर. इट कैन बिकम यांग, इट कैन बिहेव लाइक यांग, गर्म पानी एकदम 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे. It will behave like yang as compared to room temperature. But the same water at 15 degree, 10 degree, will behave like yin. Ayurveda में बहुत अच्छा concept है पित्त का. Anyway, we will not go in that. अभी ये बात समझनी चाहिए, सब लोग इसको अच्छे से तरह से समझो. नहीं, स्किन ड्राई हो गया तो ड्राइनेस बढ़ानी पड़ेगी कि घटानी पड़ेगी? स्किन की ड्राइनेस को कम करने के लिए मेरिडियन में ड्राइनेस पॉइंट पर जो चीज है उसको बढ़ाना पड़ेगा, टोन करना पड़ेगा. विद्या बहन, बात दिमाग में गई कि नहीं गई? अरे अनम्यूट करो ना, आवाज नहीं आ रही आपकी. हाँ बोलिए, समझ में आ रही है? हाँ सर, लंग्स लुब्रिकेट देता है ना, तो वहां पर वो हाँ पहुंचाना पड़ेगा ना, ड्राइनेस बढ़ाना पड़ेगा. आपने बताया था? अच्छा बताया था मैंने, जरूर बताया होगा. हाँ, एक एक चीज को कई कई बार बताता हूँ, ये मेरी बुरी आदत है थोड़ी सी. नहीं सर, बार बार बताते हैं तो अच्छा बात. तो अभी सब लोगों के दिमाग, डॉक्टर सुमन Yes, sir. समझ में आ रही है? Yes, अब ये बॉडी फ्लूइड की कमी दो वजह से हो सकती है, या तो यिन की कमी हो गई हो, लिक्विड्स की कमी हो गई हो, या तो लिक्विड्स की कमी हो गई हो, या फिर यांग बहुत बढ़ गई, हीट बहुत बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, जितने भी लिक्विड है उसको सुखा देगा. तो हमें पता करना पड़ेगा कि कोई भी ड्राइनेस, लार्ज इंटेस्टीन में सूखापन आ गया, मल सूखा हो गया, आवाज सूख गई, मुंह सूख रहा है, कान में से मल निकल रहा वो सूख गया, नाक सूख गई, जीभ सूख गई, आंखें सूख गई, खुजली हो रही है, यिन की कमी हुई या यांग बढ़ गया? और जो हुआ है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. बॉडी फ्लूइड्स को बहुत अच्छे समझे. बॉडी फ्लूइड क्या है, यिन है कि यांग है? इन, इन. इन है. सब लोग समझो, बॉडी फ्लूइड क्या है, यिन. तो हमें कैसे कर पन? अब हर ऑर्गन से संबंधित एक एक दो दो लिक्विड्स हैं, फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी में. समझा था हम लोगों ने, देखा भी था, चार्ट भी देखा था, बुक में बना हुआ भी है. हमें देखना है फ्लूइड ज्यादा हो रहा कि कम हो रहा. नाक से पानी गिर रहा है, रिनिटिस क्या हुआ है? यांग. दो कारण हो सकते हैं, या तो यांग कम हो गया हो या यिन बढ़ गई हो. रिनिटिस यिन बढ़ जाएगी तब भी लिक्विड आएगा ना, लिक्विड यिन ही तो है. तो ठंड लग जाए, नहीं ठंड लग जाए, एक्सपोजर हो जाए तो भी नाक बह सकती है, बह सकती है कि नहीं, है ना. और यांग कम हो जाए, आप एसी से निकल करके बाहर बिल्कुल गर्म वातावरण में चले जाइए तुरंत, तो जो आदमी प्रोन है उनकी नाक तुरंत बहने लगेगी. क्यों? क्योंकि बाहर यांग ज्यादा है और हमारे शरीर के अंदर यांग कम है. तो गर्मी में भी नाक बहती है और ठंडी में भी नाक बहती है, और दोनों का इलाज अलग अलग होना चाहिए. गर्मी में नाक बहती है, यांग की कमी है. लंग्स यांग बनाता नहीं ज्यादा,
लंग्स यिन फैमिली का है तो लंग्स की ची को टोन करेंगे, लंग्स की ची को टोन करेंगे। और ठंडी में नाक बहनी लग जाए लंग्स में यिन को कम करेंगे। ये बात आज समझ लीजिए, क्योंकि जब बीजी मेरिडियन तो खाली बीजी मेरिडियन हम बताएंगे, ये सारी चीजें तो हम बता चुके हैं अभी, अब खाली यूज करना है, बस तीन चार पॉइंट है इधर उधर लगा दिया था तो मामला सिंपल, कुछ नहीं सोचना, यूबी 12 लगाओ यूबी 13 लगाओ मगरो। यस जागृति, जागृति जी आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं गलती से अनम्यूट हो गया था सर उनका। नो सर, सर ठीक है, समझ में आ रहा है जागृति आपके? यस यस सर, यस सर। You are enjoying thoroughly, I believe. You are a senior yes, person. Yes, sir. How is your mother? Yes, sir. She's fine. Better. Okay, only usko raat ko insomnia hota hai, neend nahi aati hai. Lagao GB40 sujok mein. Ek magnet laga diya karo tonification ka. Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है, तो अभी आप लोग धीरे धीरे समझ में बॉडी फ्लूइड का कंसेप्ट आ गया, अब हम लोग जल्दी जल्दी करें। सारे प्रकार की बॉडी फ्लूइड्स का सोर्स जेनेसिस कहां पर है, किस ऑर्गन में है, कल हमने बताया था। स्टमक। हाँ स्टमक, वेरी गुड, स्टमक में। तो अगर बॉडी फ्लूइड की कमी होगी तो सबसे पहले कहां देखना चाहिए, किसकी ट्रीटमेंट पर, कहां पर ध्यान जाना चाहिए, कहीं भी कमी हुई हो, लंग्स में कमी हुई हो, हार्ट में कमी हुई हो, आपके किडनी में कमी हुई हो, कहीं भी आपको नरिशमेंट में कमी हुई हो, हार्मोन्स की कमी हुई हो, सबसे पहले नजर कहां जानी चाहिए, स्टमक इनडेफिशिएंसी। वेरी गुड ज्ञानंजन, तुम्हारी समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सर कहां पर सर? रजत था मैं। अच्छा रजत। यस रजत इज वेरी इंटेलिजेंट ऑफ कोर्स। ओके रजत, दैट्स गुड। और मुंह में स्टमक खुलता कहां है? ओरल कैविटी में। तो अगर स्टमक में फ्लूइड की कमी हुई तो सबसे पहले कहां कमी होगी? थ्रोट एंड माउथ। सबसे पहले कहां कमी, किसी भी प्रकार के फ्लूइड की कमी हो गई तो देखना कि आदमी पानी पीना शुरू कर देता है ज्यादा, मुंह सूखने लगता है या गला सूखने लगता है। तो फर्स्ट, अब फिर क्या करना चाहिए, अब ड्राइनेस और कहां है? गला तो सूखेगा, लेकिन गला सूखने का मतलब है कि केवल आप स्टमक को ही ट्रीट करके ना रह जाइए, गला सूखने के साथ और क्या सूख रहा है, आंखें सूख रही हैं, कान सूख रहा है, स्किन सूख रहा है, मल सूख रहा है, आवाज सूख रही है, क्या सूख रहा है? तो आप अगर वो देख लेंगे तो आप ऑर्गन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, मेरिडियन को आइडेंटिफाई कर लेंगे और ट्रीट कर सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ यिन विल ऑब्वियसली बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। इन पांच ऑर्गन्स में से ही किसी ऑर्गन में यिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। सबसे पहला लंग्स, सॉरी स्टमक। टॉप पे कौन है? स्टमक। स्टमक में यिन की कमी हो गई तो कहीं भी यिन की कमी हो सकती है। फिर कौन सा? लंग्स। फिर कौन सा? किडनी। फिर कौन सा? हार्ट। और फिर कौन सा? लिवर। आपको मालूम होना चाहिए कि स्प्लीन और स्टमक में एक अंडरस्टैंडिंग है। क्या अंडरस्टैंडिंग है? स्प्लीन यिन ऑर्गन होते हुए भी जेनरेट तो सब कुछ करता है, लेकिन यिन की स्टॉक किसके पास है? स्टमक के पास। स्टमक के पास। और ची की स्टॉक
यांग की स्टॉक किसके पास है? स्प्लीन के पास। स्प्लीन को गीलापन पसंद नहीं है और स्टमक में तो गीलापन मस्ट है, याद रहेगा? जी जी। डेफिशिएंसी ऑफ यिन इन स्टमक। आइए हम लोग फटाफट काम करें, पॉइंट्स लिखने हैं, लिखूंगा मैं, कोई बात नहीं। ड्राई माउथ, स्टमक में अगर यिन की कमी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम आएगा वो देखेंगे। ड्राई माउथ, ये तो होना ही पड़ेगा, इसका उपाय नहीं है। फिर टंग ड्राई हो सकती है, क्या हो सकता है? माउथ ड्राई होगा, टंग ड्राई होगी। ड्राई टंग, फिर यू विल फाइंड कि ये खाली गला तर करने के लिए या मुंह को गीला करने के लिए स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेगा। अगर ये ज्यादा दिन तक कमी हो गई तो सारी आंतें सूख जाएंगी, है ना? क्रॉनिक कंडीशन हो जाए, अगर क्रॉनिक डेफिशिएंसी इन स्टमक हो जाए तो क्या हो जाएगा? There will be dryness. Now this dryness is what? This is not five element wala. This is dryness माने गीलापन खत्म in large intestine पहले आएगा, फिर small intestine भी होता है। और अगर small intestine dry हो गया, जहां से directly yin आ रहा है stomach से निकल, तो समझना कि मेंटल प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगा। सुबह के समय खास करके बुरे सपने देखना, भय लगना, डिप्रेशन होना, ये सब भी हो जाता है। फिर और क्या हो सकता है? ये सब सूख जाएगा तो इसमें क्या होगा? ड्राई स्टूल। दिस पेज नंबर 27। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या बता रहे हैं टीसीएम में? TCM की ट्रीटमेंट SP3, SP6, ST36, CV12, टोनॉल। ये चार पॉइंट तो याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? रूट है। सारे जगह कहीं भी सूखापन आ जाए तो जेनेसिस उसकी स्टमक में होती है। स्टमक में यिन बढ़ाने के लिए ये चार पॉइंट आपको याद रखना चाहिए।
क्यों? क्योंकि स्टमक को यिन कौन देगा? स्टमक को यिन कौन देगा सुभाष? स्प्लीन देगा। इसलिए सारे स्प्लीन के पॉइंट हैं, देखो है कि नहीं। ठीक। इन क्रॉनिक कंडीशंस ड्राई स्टूल जब हो जाता है तो आप ईओवी का सहारा ले सकते हैं, और ईओवी आप सब जानते हैं। उसमें K6LU7 लगाना चाहिए। दूसरा है यिन डेफिशिएंसी इन लंग्स। हम लोगों ने पांच ऑर्गन देखे, पांचों के देखेंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। अच्छा, मुश्किल तो नहीं है ज्यादा? सर नहीं 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 सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें स्टमक इन डेफिशिएंसी में लिप्स भी ड्राई होते हैं? देखिए, लिप्स तो ड्राई होता है, लेकिन मुंह का केवल लिप्स अगर ड्राई हो रहा है और मुंह अंदर ड्राई नहीं है, तब आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बड़ा अच्छा ये प्रश्न पूछा है, कौन बताएगा? हमारे यहाँ काफी सीनियर लोग हैं, हमको पहले सुनने दो इन लोगों को। ज्ञानानंद जन ने एक सवाल ये आज पूछा है और एक दो बार इसने पहले भी पूछा था। नहीं सर, लेटर रजत ने पूछा है। अच्छा, ये भी रजत ने पूछा है, दोनों की आवाज मिलती है। अच्छा, मैं तो आवाज से आइडेंटिफाई करता हूँ, शब्द भेज दी बाढ़। अच्छा ये बताओ भाई, रजत जी पूछ रहे हैं कि सर लिप्स ड्राई हो गया है तो स्टमक में यिन डेफिशिएंसी की वजह से लिप्स ड्राई हो गया है क्या? कौन बताएगा? अच्छी बात है, लेट अस स्पेंड सम टाइम, क्योंकि जब तक हम लोग ये समझ ना लें यिन और यांग को, तब तक सारी बातें सब पढ़ाई बेकार है। यिन यांग पर ही क्लास होनी चाहिए, और कुछ होना ही नहीं चाहिए। हम बताइए, कौन बताएगा? केतन भाई, आपके पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, कुछ बताइए। क्या हिप बोला था ना सर? हिप। अच्छा, हिप जॉइंट बोला ना? हीट बढ़ गई है कहाँ? नहीं नहीं, कौन सा जॉइंट बोला? जॉइंट नहीं, लिप्स, होंठ। अच्छा, होंठ सूख गए। हाँ तो एलआई में ड्राइनेस बढ़ी ना? एलआई में ड्राइनेस बढ़ी ना? एलआई ड्राइनेस माने यिन की कमी की यिन की एक्सेस? ड्राइनेस लार्ज इंटेस्टाइन के मेरिडियन में ड्राइनेस पॉइंट को बढ़ाए, टोन करें कि सेडेट करें? टोन करना पड़ेगा ना ड्राइनेस पॉइंट। इतना लेक्चर देने के बाद भी सारा रामायण हो गया, राम कौन है मालूम नहीं। सर स्प्लीन यंग एक्सेस होगा क्या? चलिए लेट अस हियर इट फ्रॉम सुभाष। यस सुभाष, ड्राई लिप्स, व्हाट विल यू डू? जनरली दैट वी टेक इट एज ए इन डेफिशिएंसी ना सर। वेयर? वही तो पूछ रहा रजत कि ये स्टमक की इन डेफिशिएंसी से होंठ सूख जाएंगे क्या? अच्छा ठीक है, स्टमक। सुभाष इज ए वेरी सीनियर फेलो एंड ही रन्स एन एकेडमी आल्सो एंड ही गिव्स यू सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर। विजय आपका क्या? अभी अभी केतन भाई अभी शांति रखो, थोड़ा आपसे बहुत सीनियर है ये लोग, थोड़ा सुन के सीखो। हाँ विजय, यस कम ऑन, ड्राई लिप्स व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू ट्रीट? सर लार्ज इंटेस्टाइन की हॉटनेस। स्टमक इन डेफिशिएंसी ओनली सर। सुनीता कुछ कह रही हो? सर लार्ज इंटेस्टाइन की हॉटनेस।
सर स्प्लीन का यांग एक्सेस ये भी हो सकता है लिवर में यिन की कमी होठों के सूखने का कारण होता है सर व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज विंड लिप्स आर विंड ऑफ दिस सो दैट इज ऑब्वियस फाइन इट इज गोइंग टू लिवर ओनली बट दिस इज बिकॉज ऑफ स्टमक यिन डेफिशिएंसी ओनली दैट इज कॉजिंग लिवर यिन डेफिशिएंसी नो जनरेटर इज नॉट स्टमक बहुत बड़ी भूल सारी दुनिया ये कर रही है जनरेशन इज कन्फाइंड टू सॉलिड ऑर्गन्स व्हाट शुड यू डू यू शुड गो टू स्प्लीन द माउथ इफ यू वॉन्ट टू ट्रीट एनी पार्ट ऑफ माउथ यू शुड स्टार्ट विथ स्प्लीन स्प्लीन इज द जनरेटर अगर कहीं डेफिशिएंसी हुई है क्या है यिन की डेफिशिएंसी ड्राइनेस आ गई मतलब क्या हुआ यिन की डेफिशिएंसी ये तो पक्का है ना ये सब लोग जान रहे हैं कि यिन की डेफिशिएंसी है या तो यांग बढ़ गई है बहुत ज्यादा यांग नहीं बढ़ेगी यिन की डेफिशिएंसी यांग बढ़ जाता तो तमाम मुंह सूख जाता तमाम चीजें होती बहुत सी बातें लेकिन आप देखोगे जिनकी लिप्स सूख जाती है पपड़े पड़ जाती है क्या है स्प्लीन के उड पॉइंट में यिन की कमी है और स्प्लीन के उड पॉइंट को ची देने का काम कौन कर रहा है लिवर कर रहा है लिवर करेगा क्योंकि लिवर इज द वुड जनरेटर समझ में आ रहे बात इसलिए क्या करेंगे लीवर की यिन को टोन करेंगे रजत जी आपको जवाब मिल गया है और yes, आप, जब आप बीजी मेरिडियन करेंगे तो आप देखेंगे इसका सिंगल पॉइंट फॉर्मूला है के वन टोनिफिकेशन इन हॉरिजेंटल मेरिडियन सर कौन सा के वन हाँ के वन कहां लिप्स और कहां किडनी का के वन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन सर क्योंकि इस लीवर के पास यिन आएगी कहां से विंड तो अपने आप यांग है देगा कौन विजय लीवर बिलोंग्स टू यांग फैमिली इस यिन यांग को समझ लेने से You will definitely become an expert. इसलिए मेरा तो आप जानते हैं कि यिन यांग बहुत से लोग हमसे पहले ये भी कहते हैं देखो यिन यांग साहब आ रहे हैं When I used to teach continuously, यिन यांग साहब आ रहे हैं I teach generally. हैदराबाद में था ना यिन यांग आ गए Yes. हमें सुनने को मिला ये कमेंट हैदराबाद पहले मुझे भी नहीं मालूम था किसी ने कहा कि सर आपको ये लोग यही कहते हैं कि यिन यांग आ गए क्योंकि कोई भी क्लास होने तो यिन यांग की चर्चा होती है वास्तविकता यही है सेम अगर यिन यांग आप नहीं समझते ये ड्राइनेस में देखो कितना घपला है मेजॉरिटी ऑफ योर आप लोग 16 लोग हैं मेजॉरिटी यही कह रही ड्राइनेस के दो मीनिंग है एक फाइव एलिमेंट वाला मेटल वाला वो यिन है पूरा और दूसरा हमारी बोलचाल की भाषा है यिन की कमी वाला यिन की कमी में ड्राइनेस को बढ़ाते हैं ड्राइनेस मतलब एक्यूपंक्चर वाली ड्राइनेस को कोल्डनेस को कोल्डनेस उससे भी ज्यादा यिन है चलिए सो रजत जी आपका जवाब हो गया आगे चला जाए ऐसे निकल जाएगा आज का समय लगता है सर अगर लिप्स फट जाए लिप्स में क्रैक आ जाए वही बात है यिन की कमी है भाई हो गया यिन की कमी है बस लिप्स में यिन की कमी बता तो दिया स्प्लीन से होते हुए
लीवर में जाएंगे और लीवर में इनकी कमी है उसको दूर करेंगे। कैसे दूर कर सकते हैं? वाटर किडनी से लीवर में ट्रांसफर करो जी। चलो डेफिशिएंसी ऑफ यिन इन लंग्स हम लोग कर रहे थे। क्या सिम्टम्स होंगे? थ्रोट ड्राई। सो तीनों चीजें माउथ थ्रोट एंड टंग ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है और क्या क्या होगा? लंग्स में यिन की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? सी ड्राई कफ हो सकता है। ड्राई स्किन हो सकती है। ड्राई स्टूल हो सकता है। ये तो कोरोना का सिम्टम है। कोरोना का जब सिम्टम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ा रेलेवेंट है सवाल और हमने आपको कोरोना के पॉइंट्स भी दिए थे उसमें। याद रखिए अगर लंग्स में डिसफंक्शन हो जाए, लंग्स काम का क्या काम है? बहुत से काम है लेकिन मेजर काम क्या है? मेजर काम है ट्रांसफर ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है कि नहीं? तो फंक्शन कम हो गई है मतलब क्या हो गया? ड्राइनेस नहीं, नो मूवमेंट, यिन अधिक हो गई है। बड़ा मुश्किल है हाँ, इसको समझना थोड़ा मुश्किल। चलो अभी बाद में। और क्या हो सकता है? नोज ड्राई हो सकता है। ये टीसीएम ने नहीं कहा है, ये हमने कहा इसलिए यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ है। नाक सूख जाती है ना, देखा है आपने? Yes, sir. ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा? पहले तो ट्रीटमेंट टीसीएम क्या कहता है ये हम लोग लिख लें। SP6 और CV12 ये सब लगाए थे मैंने कोरोना में, और LU9। UB13 तो इन तीनों को तो टोन करो। UB13 K6 is all boss of fluids. K6, K3, K3 which side? अभी फिर कोई बोलेगा।
इससे लिखा, ये लिखा हुआ यहाँ पे बहुत अच्छा, ठीक है, वाटर साइन। फिर एच थ्री, एल यू फाइव, एच थ्री एल यू फाइव क्यों ले रहे हैं सुभाष, कैन यू टेल मी? H3 is a water point, sir, and lung 5 is also water point. So here we are concerned to, here we are, our interest is to increase in, sir. One is heat, other is dryness of kidney horizontal meridian. And in horizontal meridian, you have only yin chi. ठीक है, आपकी समझ में आया विजय जी? हाँ सर, आ गया। किसी भी प्रकार की yin की कमी या अधिकता हो जाए, don't forget to reinforce kidney or sedate kidney. क्योंकि सारा मामला सारी फ्लूइड की सर्कुलेशन कहां से हो रही है, किडनी से हो रही है, वाटर किडनी से। सीवी 17 कितना बड़ा फॉर्मूला है यार टीसीएम का, है? हम लोग तो दो चार पॉइंट में इसको नक्की कर देंगे। सारे पॉइंटों को, अच्छा लास्ट टू पॉइंट्स आर टू बी सेडेटेड। सर सीवी 17 को सेडेट क्यों कर रहे हैं? कौन करना चाहिए सर? सीवी 17 तो मतलब एनर्जी पूरा पेक्टोरल ची को भी कंट्रोल करता है एंड इट्स द, मुझे लगता है सेडेट नहीं करना चाहिए, इसे भी टोन ही करना चाहिए। सर ऊपर के तीन पॉइंट भी टोन हुए और ये सारे भी टोन हो रहे हैं, तो उसको टोन ही करो ना। तो जितना लिखा हुआ है सब कुछ टोन है? नहीं, बैकशू पॉइंट को टोन नहीं करना चाहिए गाइडेंस। इनको सबको टोन करो। यूबी 37 लिम्फ का पॉइंट है, इसको जरूर सेडेट करना चाहिए। यूबी 37 क्या है? लिम्फ है लंग्स का। ये जो ड्राइनेस है, ड्राई माउथ और ड्राई थ्रोट, ड्राई कफ, ड्राई स्किन, ड्राई स्टूल, नहीं तो माउथ थ्रोट एंड टंग, ऐसे माउथ में थ्रोट भी आ गया, तो ड्राई माउथ, ड्राई टंग, ड्राई कफ 3, ड्राई स्किन 4 और ड्राई स्टूल 5। ये जो पांच चीजें हैं इसको कहते हैं 5D सिम्टम। 5D और अगर ये 5D सिम्टम हो तो लंग्स की यिन को टोन करना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ यिन किडनी में हो सकती है इसके बाद। सर कौन? सर विजय सर। हाँ विजय जी बोलिए। तो जब पेशेंट हमारे सामने आ जाता है
तो टू डिफरेंशिएट बिटवीन यीन डेफिशिएंसी ऑफ स्टमक और लंग्स तो हमारे को स्किन को देख लेना पड़ेगा कहीं पर भी उसको स्किन और कॉफ को या नहीं नहीं और गला देखो ना बिकॉज फ्लेम का एक कोट जो है बॉडी फ्लूइड का कोट गले में जो विंड पाइप गई है अंदर हाँ वो सूखने लगता है ओ तो गला भयंकर सूखेगा और आवाज में खरखराहट तो लंग्स है हाँ। और आवाज में खरखराहट होगी तो बराबर वो क्या करेगा करते रहेगा बात समझ रहे ताकि वेट हो जाए थोड़ा थोड़ा तो ऐसी स्थिति जब हो जाए तो गला तो पहला सूखेगा तो स्टमक पहला है इमीडिएटली स्टमक इन तो स्टमक इन तो हर समय हमको लेना ही पड़ता है ना SP6 CV12 ये सब स्टमक को ही तो देखेगा लेकिन अगर स्किन सूखा हुआ है अगर नाक सूखी हुई है देखो नोज किसकी ओपनिंग है लंग्स की है लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन तो वो अगर सूखा हुआ है दैट मींस डेफिशिएंसी ऑफ यीन हो सकती है लंग्स में यीन डेफिशिएंसी इन किडनी ठीक है विजय जी जी सर देखो गला सूखेगा कहीं भी इनकी डेफिशिएंसी होगी पहला सिम्टम गला सूखना क्योंकि सबकी जेनेसिस सबकी मां पूरे इनकी पूरे बॉडी फ्लूइड्स की मां कहां है बैठी हुई स्टमक स्टमक और गला तो सूखेगा किसी में भी किडनी में भी इनकी कमी होगी तो ड्राई माउथ पहला लिखा हुआ देखो इसमें लिखा हुआ है एंड थ्रोट थ्रोट भी उसके साथ ही है लिखा है ना हाँ सर है सर तो स्टमक तो पहला ही मामला आता है किधर भी कहीं भी यीन की डेफिशिएंसी हो स्टमक पे ध्यान जाना चाहिए स्टमक को हर किसी के साथ ऐड कर सकते हैं किडनी के साथ एक आध पॉइंट ऐड कर लो ना CV12 ऐड कर लिया करो सिंपल एक पॉइंट तो ऐड कर सकते हो ना CV12 स्प्लीन स्टमक दोनों को देखता है तो जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब हो जाएगा सर इसमें आप गलती से जीवी लिख दिए सर GV12 या इट इज ट्रू RIN12 कहां पर लंग में नहीं CV12 ऊपर लिखा हुआ है हाँ हमने जीवी लिख दिया है हाँ नहीं नहीं जीवी भी है हाँ होने दो जीवी टू जो लिखा है TCM में हमको क्या मालूम अच्छा हम क्या लें सर आपको तो बताया CV12 हाँ नहीं नहीं हाँ. हमारे उसमें स्पाइरल में अरे क्या ले सकते स्पाइरल 5D सिम्टम आ गया हॉरिजॉन्टल मेरिडियन ले हो यार चाहे अच्छा सिंपल हॉरिजॉन्टल ओके और अदरवाइज LU9 स्पाइरल हाँ LU8 स्पाइरल हाँ LU8 स्पाइरल ले लो उसमें हाँ और इसमें ह्यूमिडिटी ड्राइनेस स्टोन स्टोन या और इधर नहीं तो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन लंग्स की ले लो हाँ हॉरिजॉन्टल में K7 को टोन करो हाँ LU8 को टोन करो हाँ बस वो तो इजी है ना एक दो पॉइंट से हाँ और ये भी हम जो है H3 एंड LU5 लंग इन डेफिशिएंसी है TCM के पास उपाय नहीं है ना यार नहीं क्या नहीं करे? हमको हॉरिजॉन्टली करना है ना इसको हाँ जब हम हॉरिजॉन्टली करेंगे उसके लंग्स की हॉरिजॉन्टली करेंगे हाँ A7 इज द सिंगल पॉइंट व्हिच इज कनेक्टेड टू लंग्स इजंट इट सो यस सो इफ यू वांट टू पास ऑन द इन फ्रॉम किडनी टू लंग्स A7 is the point. क्यों H3 और फलाना ढिकाना करने जाए हाँ. नहीं माँ कौन है किडनी है या. आप कह रहे हैं कि लंग्स को बोल रहे खींच लो LU5 क्या is supposed to do what? LU5 is supposed to take the chi from kidney. Yes. LU5 पहले ही undernourished है हाँ. सुखा हुआ है हाँ. तो मैं तो नहीं करने जाऊंगा मैं yes. तो K7 को टोन करके किडनी को बोलूंगा दे दो ची किडनी ले ले रहा है ना फिर कहाँ है K7 पॉइंट K7 है कहाँ यहाँ
उसने तो K6 और K3 उसने तो बवंडर खड़ा कर दिया पूरी बॉडी में यिन को दे रहे हैं यार। K3 और K6 वाटर साइड में लिया तो यिन किसको मिल रहा है? होल बॉडी इज गेटिंग नॉट ओनली लंग्स या होल बॉडी इज गेटिंग देन दैट विल टेक टाइम टू रीच लंग्स या ओनली अ पार्ट ऑफ इट विल रीच लंग्स रेस्ट ऑफ इट विल गो टू डिफरेंट ऑर्गन्स या ये आप स्कॉलरली डिस्कशन अपने लोग बाद में भी कर सकते हैं। नहीं 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 मैं ये कर रहा हूं सर कि H3 और LU5 वी शुड डू इट हॉरिजॉन्टली क्या या स्पाइरली यहां पर आप करो ना यार हॉरिजॉन्टली करो। हां हॉरिजॉन्टली करेंगे यहां पर इनको हॉरिजॉन्टल कांसेप्ट नहीं है। हां हां ये TCM है। हां इसमें कहां हॉरिजॉन्टल का कांसेप्ट आ रहा है? ओके ये एज पर TCM है ये H3 एंड LU5। हां हां ओ अच्छा ये सब TCM है। ओहो ये कट कॉपी पेस्ट है। ओहो अच्छा और किडनी में यिन की कमी हो जाए तो स्कैंटी एंड डार्क डार्क माने येलो डार्क येलो यूरिन और क्या हो सकता है नाइट स्वेट किडनी में यिन की कमी हो जाए तो ये आएगा और क्या हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है स्प्रिंग जॉइंट हो सकता है जिसमें आवाज आती है जॉइंट्स में जॉइंट्स में आवाज आती है हाँ स्पेशली एंकल जॉइंट और क्या हो सकता है अगर क्रॉनिक किडनी यिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो टिनिटस हो सकता है और टिनिटस क्यों होता है बिकॉज ऑफ ड्राई ईयर्स ईयर्स आर द ओपनिंग ऑफ किडनी नहीं लंग्स में यिन की कमी हो जाए तो नाक सूखता है किडनी में यिन की कमी हो जाए तो कान सूखेगा और कान सूखेगा तो वहां की टिनिटस आ सकता है इसलिए किडनी यिन डेफिशिएंसी से भी टिनिटस आता है टिनिटस के कई कारण है यांग ज्यादा हो जाए तब भी होता है इसमें ट्रीटमेंट क्या है टीसीएम में ये नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा K3 K6 K9 K3 K6, K9, ये 3 पॉइंट और K10, फिर SP6, और CV1 और CV4, CV1 तो आप जानते ही हैं कनेक्टेड है, CV4 भी कनेक्टेड है, CV माने रेन सीवी मींस रेन उसके बाद ऑल डोन हाँ ऑल टोन सर वो लास्ट लाइन नहीं दिख रहा है सर टिनिटस ड्राई ईयर के नीचे से नहीं दिख रहा है K3 K6 K9 K10 SP6 CV1 CV4 अब दिखा हाँ दिख रहा है सर अभी दिख रहा है उसके बाद एक और कहा हमने लिखा था 5 चीजें लिखी थी ना तो इसमें हो गया स्टमक हो गया लंग्स हो गया किडनी हो गई अब आइए लिवर
डेफिशिएंसी इन इन लिवर पहले हार्ट है जी, पहले हार्ट पहले लिवर करो, कोई बात नहीं है, पहले लिवर अब लिख दिया तो लिख दिया। सिम्टम क्या भाई, लिवर खुलता है कहाँ, आंख में खुलती, तो आंख पहले ड्राई हो जाएगी, ड्राई माउथ तो होगा ही, उसमें चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जेनेसिस कहाँ है, इनकी ड्राई माउथ हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ड्राई माउथ की संभावना रहती है हमेशा। सर यूरिन रिटेंशन किस में आएगा? यूरिन रिटेंशन एक्सेस है, डेफिशिएंसी हाई नहीं। ओके ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिशिएंसी ऑफ यिन, डेफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, बॉडी फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं हम लोग, बॉडी फ्लूइड्स देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रही बात? जहां गीलापन, गीलेपन की कमी, नरिशमेंट की कमी, नहीं लीवर को भी गीलापन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हाँ, तो ये तो खुद अपने लिए भी नहीं बना पाती। एनीवे तो ड्राई माउथ तो हो सकता है, और क्या हो सकता है, टेम्पोरल हेडेक हो सकता है, स्पेशली ये टेम्पोरल हेडेक जो है यिन में, ये राइट साइड में होता है, जब लेफ्ट में होता है तो लिवर में ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, हम लोगों ने पढ़ा था ये अदर डे। और क्या होता है, प्रॉपर लैक ऑफ स्लीप होता है, और क्या होता है, एक्स्ट्रा एंग्री, एंगर, एंगर क्या है, इमोशन है, सबसे बड़ी बात, ड्राई आईज, और कभी कभी वर्टिगो भी हो सकता है, लेकिन वर्टिगो जब होता है ध्यान रहे कि उसमें हमें लॉन्ग मेरिडियन लेना चाहिए, जैसे टीसीएम में इसका कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हमें और आपको समझना चाहिए कि हमें जीव इन पूरा लेना चाहिए जब वर्टिकल होता है, ठीक, और उसमें काम करना चाहिए। वर्टिगो एट टाइम्स, कभी ट्रीटमेंट क्या है टीसीएम के हिसाब से, ट्रीटमेंट में है K6 सब जगह है, K6 क्या है, दिस इज इंफ्लुएंशियल पॉइंट, मास्टर पॉइंट ऑफ मोस्ट यिन वेसल, है ना, यिन हील वेसल, क्या कहते हैं इसको, यिन क्यामो, यिन क्यामो, वाटर में कर सकते हैं, दोनों साइड भी कर सकते, SP6 लिवर 8, GB43 को क्या करना चाहिए, टोन करना चाहिए कि सेडेट करना चाहिए, कौन बोलेगा, जिसने लेवल 1 और 2 किया हो वो बताए, टोन टोन, वेरी गुड, किसने कहा, मैं केतन भाई, वेरी गुड, वेल सेड, ये क्या करेगा, हीट को कम कर देगा, लिवर की जनरेशन,
ये पता नहीं यहाँ कहाँ से पॉइंट बी टू सब हम लोगों को मालूम नहीं है। जीबी 20 38 अब जीबी 38 को क्या करना चाहिए चेतन भाई? सीडेट करना। वेरी गुड। यहाँ पर कुछ नहीं है सीडेट टोन, टीसीएम में ज्यादा कुछ भी लिखा नहीं है, तो यहाँ सबको टोन कर लो। चेतन भाई ने बहुत अच्छा बताया। तो क्या होगा, जो लीवर फोर पे जो ची है वो बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे केतन भाई, आई एम वेरी प्लीज्ड। बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिर उसके बाद एक और रह गई डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी इन हार्ट। किसकी डेफिशिएंसी? यिन की डेफिशिएंसी, याद है ना, उन्हें लिखा है। अगर हार्ट में यिन की, तो पहले ड्राई माउथ और टंग ये सब तो होगा, हेलो, वो तो रहेगा ना कॉमन। साथ में क्या होगा, टायर्डनेस होगा, डिप्रेशन होगा, फॉरगेटफुलनेस होगा। डिप्रेशन हो सकता है। ये कहां खुलती है हार्ट? माउथ, टंग। तो क्या होगा, ड्राई टंग इज एन इंपॉर्टेंट, जहां जो खुलता है वो पहले सूखा मिलेगा। फिर क्या होगा, हार्ट में नरिशमेंट कम हो गई तो ब्रेन को, बिकॉज ये ब्रेन में भी खुलता है, तो ब्रेन में यिन की कमी हो जाएगी, फ्लूइड की, ब्रेन की नरिशमेंट कम हो जाएगी, तो क्या होगा, इंसोम्निया। नींद कम आएगी और क्या होगा, ये बॉडी फ्लूइड पहुंचाती कौन है, ब्लड। इसके मतलब ब्लड कम, ब्लड में लिक्विड कम हो जाएगी, ब्लड में लिक्विड कम हो जाएगी, नरिशमेंट कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगा, तो टायर्डनेस तो साथ में होगी होगी, और पूरा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हार्ट बीट भी बढ़ेगी, सो पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। पैल्पिटेशंस, ठीक। इसके लिए ट्रीटमेंट टीसीएम में क्या बोला, SP6UB20 K6CV4 K6 सब जगह है, CV4 H7CV14 Year UB20 calculate sir. UB20 spleen bachelor point. तो spleen SP6 क्यों लिया है हम लोगों ने? SP6 क्या है, यहाँ पर तीनों meridian मिलती है। एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ जरा सा समझिए, जो तीनों मेरिडियन है उसमें कौन कौन सी मेरिडियन है? एक किडनी है, एक लीवर है, और एक स्प्लीन है। तो जब SP6 को आप ट्रीट करते हैं
तो टीसीएम में आप जनरली स्ट्रेट ट्रीटमेंट करते हैं नेडल। तो स्प्लीन ये जो स्ट्रेट करना या रेंट करना या केवल एक एक्चुअली यहाँ पर हम लोग सीड लगा सकते हैं, है ना, या राउंड मैग्नेट SP6 पे लगाना चाहिए हर जगह, क्योंकि ये क्या करेगा, ये तीनों को बैलेंस करेगा। क्यों? क्योंकि लीवर और स्प्लीन में एक एक्सिस बनी हुई है। लीवर क्या, अगर स्प्लीन वीक होगी तो लीवर स्प्लीन को दबा देगा, और अगर लीवर वीक होगी स्प्लीन तगड़ा होगा तो स्प्लीन लीवर को दबा देगा। तो लीवर और स्प्लीन में एक दूसरे को कंट्रोल करने, तो लीवर इज कंट्रोलर ऑफ स्प्लीन, तो ये बैलेंस अपने आप कर देगा सीड और या स्ट्रेट नीडल डाला तो अपने। और दूसरी बात कि लीवर की माँ किडनी है और स्प्लीन को मैक्सिमम सपोर्ट किडनी से मिलता है, क्योंकि स्प्लीन इज व्हाट, स्प्लीन इज अर्थ एलिमेंट, सारे प्रकार के फ्लूइड का बॉस स्प्लीन है, और ये स्प्लीन को कौन देगा इम्प्योर एंड प्योर फ्लूइड्स, दोनों ही स्टोरेज कहाँ है, किडनी में, वहां से चालू होते हैं। सो स्प्लीन इज ग्रेटली सपोर्टेड बाय किडनी, ब्लड भी बनेगा तो स्प्लीन अगर बनाता है तो बिना किडनी के सपोर्ट के स्प्लीन नहीं बना सकता, इसलिए SP6 बिकम्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ही पॉइंट लगाने से तीन मेरिडियन को आप देख रहे हैं, और तीन मेरिडियन मतलब तीन ऑर्गन्स को भी देख रहे हैं। Am I clear? सुभाष जी 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 सर, क्वेश्चन वाज वेरी वेरी गुड, एक्सेलेंट क्वेश्चन, दिस कैन नॉट कम फ्रॉम ए नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो SP6 को क्या करना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये तीनों तो अपने आप में बहुत कुछ कर लेंगे। क्यों, आपको याद है जब मैंने प्रोसेसर 1 और प्रोसेसर 2 की बात की थी, तो तीन पंप तो हमने ऊपर दिखाए थे आपको, हाथों में जिनकी मेरिडियन जाती है, और तीन पंप नीचे दिखाए थे, याद है कि नहीं ज्ञानंजन? जी सर। तो तीन पंप ऊपर वाले कौन कौन से कौन मेरिडियन में जाते हैं, एक पेरिकार्डियम, एक हार्ट और एक लंग्स। जी जी सर। और नीचे उठाने वाले कौन है, किडनी, स्प्लीन और लीवर। SP6 से ये तीनों पंप को आप टच कर रहे हैं। SP6 लगाने से तीनों को टच कर रहे हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बात आपकी? और ये किससे जुड़े हुए हैं, स्प्लीन जुड़ा हुआ है स्टमक से, लीवर जुड़ा हुआ है गॉल ब्लैडर से, और किडनी जुड़ी हुई है यूरिनरी ब्लैडर से। और ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है प्रोसेसर नंबर 2 से आ रहा है। वहां पर क्या है, वहां पर बहुत यंग एनर्जी वेपर है, वहां पर भाप बना हुआ है, और वो कंडेंस हो रहा है धीरे धीरे। जो कंडेंस होकर के नीचे आ रहा है वो क्या है, वो लिक्विड, वो बॉडी फ्लूइड बन जा रही है। उस बॉडी फ्लूइड को उठा करके बॉडी में डालने का काम कौन करता है, लीवर, किडनी और स्प्लीन। एक सिंगल पॉइंट को टोन करने से जो भी फ्लूइड ऊपर से नीचे जो बन करके ठंडी होती हुई नीचे आकर के यिन बनी, इन सारी यिन अर्थात फ्लूइड्स को लेकर के ऊपर बॉडी ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म में पहुंचाने का काम एक सिंगल पॉइंट SP6 करता है। SP6 पर तो आई कैन थिंक माने घंटे भर तो SP6 पे बोलना चाहिए, समझना चाहिए। SP6, LI4 ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको खूब अच्छी तरह समझ लेना से आप कई जगह इनको यूज कर पाएंगे। सर अगर कहीं से ब्लीडिंग हो जाए तो SP6 को सेडेट करेंगे ना, जैसे अगर चोट लग जाए, नेजल ब्लीडिंग हो जाए। हाँ, तब सेडेट करेंगे। क्यों? ब्लड के लिए तीन पॉइंट TCM ने बताए, कौन कौन से? TCM में ब्लड के लिए तीन पॉइंट्स हैं, कौन कौन से बताइए? K7, SP6 एंड liver 5। K7, SP6 और liver 5। तो SP6 किसके लिए है,
व्हाइट ब्लड सेल्स। K7 किसके लिए है? रेड ब्लड सेल्स। और लिवर 5 किसके लिए है? लीवर 5 के साथ SP6 दोनों लगता है तो प्लेटलेट्स। ये सब बड़ी माइन्यूट बातें हैं, कहीं किताब में नहीं लिखी है, पढ़ पढ़ के आप अपने से समझ सकते हैं। CV14 फिर क्या है? CV15। अब ये सब TCM के पॉइंट है, एक्सपीरियंस से हुआ है। ये है हार्ट में डेफिशिएंसी ऑफ यिन। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सुमन भाई और ग्रुप में डाल दीजिएगा प्लीज। दिस फॉरगेटफुलनेस, हाँ सर, दिस फॉरगेटफुलनेस ऑफ हार्ट इन डेफिशिएंसी विल बी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की बात भी भूल सकती है, इन डेफिशिएंसी हो जाएगी लॉन्ग टर्म, लेकिन ब्लड डेफिशिएंसी होगी केवल तो शॉर्ट टर्म की डेफिशिएंसी जाती है। कई बार हार्ट में बहुत ज्यादा अगर यीन की डेफिशिएंसी हो जाए या है ना, तो हमें पीछे की बहुत पुरानी बातें भूलने लगती हैं। और अगर यांग बिल्कुल सिंक करने लग जाए हार्ट में तो हमें केवल पीछे की बातें याद रहती हैं, अभी का कुछ कुछ पहचानते भी नहीं किसी को। आपने तो आपके पेरेंट्स तो अभी अभी मरे हैं, तो जब बाइल दे लिविंग बॉडी तो आपने ध्यान दिया होगा मरने के समय दे डू नॉट रिकॉग्नाइज पीपल एंड दे टॉक ऑफ देयर एंसेस्टर्स और बहुत अपने बचपन की बात और सब की बात करते हैं। व्हाई? इसका क्या कारण होता है? इफ द हार्ट इज कोलैप्सिंग देन दीस सिम्टम्स आर कम। कोलैप्स माने यांग बिल्कुल खत्म, हार्ट की यांग खत्म हो जाए तो केवल पुरानी बातें रह जाती हैं, अभी की बातें नहीं रहेंगी। और हार्ट की यिन में क्या करना चाहिए सर? हार्ट की यिन खत्म हो जाए तो क्या होगा? पुरानी बातें भूलेंगी, पुरानी बातें, अरे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, अरे अच्छा 3 साल पहले आपसे मिले थे, शायद मिले थे, कहाँ मिले थे, याद ही नहीं आ रहा, पहचान नहीं पा रहे, आपका चेहरा लगता है कि देखा है शायद कहीं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। दिस इज हार्ट यिन डेफिशिएंसी। विजय, आर यू गेटिंग इट? सर मुझे नाम भूल जाते हैं, उसका क्या है? नाम भूल जाते हैं तो स्क्रीन तो देखो ना। सर एक क्वेश्चन था मेरा सर। हाँ जी सुमन कुमार जी, पहले आपने ले लिया फोटो, ले लिया कि नहीं? सर ले लिया सर। तो अभी हम लोग इसको बंद करने के कगार पर चले ना। नहीं सर, इसमें थोड़ा एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन होना था सर। हाँ तो ऑन कर लीजिए कैमरा। नहीं आप वो बंद कर दिए ना। अच्छा आप UB20 यू हैव टोल्ड सर, GV20 किडनी सॉरी डेफिशिएंसी इन लिवर हाँ आ गए।
TW5 liver 3 TW5 GB20 टोन करे GB20 कहाँ है UB2 है हाँ UB2 एंड GB20 भी टोन कर दिया हाँ तो नो GB20 तो, क्या है मालूम है हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड पॉइंट्स मीटिंग या हंड्रेड पेटल्स है ना सौ बिंदु यहाँ मिल रहे हैं सर और दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रैंक्विलाइजर लीवर की इन भी यहाँ पर जाकर के मिलती है U20 पर लीवर की एक अंदर ही अंदर मेरिडियन निकल करके DU20 तक जाती है नहीं और लीवर में यिन की कमी हो गई तो वहां पर यिन की कमी हो जाएगी सारे हार्मोन्स की कमी इसकी कमी उसकी कमी सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए एक सिंगल पॉइंट GB20 इज अ ग्रेट पॉइंट इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रैंक्विलाइजर ये यिन देती है क्या देती है यिन देती है हाँ तो जनरली GB20 जो एक्यूपंक्चर वाले यूज करते हैं सिंगल एक नीडल लगा देते हैं वहां पर टोन सेडेट का मतलब नहीं आता लेकिन आप जब सुजोक में यूज करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए राउंड बेल मैग्नेट लगाना चाहिए यस टोनिफिकेशन पॉइंट टोनिफिकेशन लगा सो इट विल इंक्रीज द यिन इट विल इंक्रीज थ्रूआउट द बॉडी इट शुड इंक्रीज देन अरे यस इट इज अ ट्रैंक्विलाइजर यार ट्रैंक्विलाइजर हां यस बट सर जीवी मेरिडियन इटसेल्फ इज अ यंग मेरिडियन तो मुझे नहीं लगा जीवी 20 तो जीवी 20 बहुत ही यंग है कि नहीं यंग हाँ यंग तो है तो अगर इनको यंग में पहुंचाना हो इनको बॉडी के ऊपरी हिस्से में पहुंचाना हो वो बहुत कठिन होता है कौन ले जाएगा तो जीवी 20 पर स्टमक मेरिडियन यूबी मेरिडियन और गॉल ब्लैडर मेरिडियन तीनों वहां मिल रहे हैं और साथ में लिवर मेरिडियन मिल रहा है और साथ में लंग्स हार्ट और पेरिकार्डियम से छी आ रहा है जितने भी प्रकार की नर्व्स जितने भी प्रकार के हॉर्मोन्स इन सबको कंट्रोल करने की ताकत सबको इफेक्ट करने की ताकत गवर्नर वेसल 20 पे पॉइंट जो है अच्छी है ठीक है जीवी 20 इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट अगर सारे बिंदुओं में से कोई एक बिंदु अगर आपको सेलेक्ट करना है तो चाइनीज ने कहा सेलेक्ट जीवी 20 आउट ऑफ 360 पॉइंट्स इफ यू वांट टू सेलेक्ट ओनली वन पॉइंट यू शुड सेलेक्ट जीवी 20 कुछ भी होने दो जीवी 20 पुरानी किताबों में आप देखेंगे एंटन जयसूर्या की किताब सबके पास होगी मेरे ख्याल से उसमें आप फॉर्मूले देखो जीवी 20 हर फॉर्मूले में लगा है आप देखो जरा ध्यान से ताड़ी 90% फॉर्मूले में जीवी 20 लगा हुआ है आपने देखा है यस सर वो ब्रेन जो कंट्रोल मेरिडियन आपने पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर जो सुजोक में पार्क साहब ने बताया उसका काम केवल एक सिंगल पॉइंट गवर्नर वेसल 20 या DU 20 से होता है सिंगल पॉइंट वहां पर देख लो आप ठीक है जी विजय बहादुर जी जी सर थोड़ा बहुत संतोष हुआ हो तो बंद करें एक लास्ट थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरा अरे बाप रे हां पूछिए सर पल्पिटेशन में जो है सर किसी के अगर भोजन के बाद खाने के बाद पल्पिटेशन बढ़ जाती है उसको किस में लेंगे सर खाना खाने के बाद पल्पिटेशन बढ़ जाती है खाना खाने के बाद पल्पिटेशन अगर बढ़ जाती है इसके मतलब ये हुआ कि खाना खाया तो आपने क्या किया खाना खाने से क्या हुआ अंदर क्या चेंज हुआ डाइजेशन शुरू हो गया क्या हुआ सुनीता जी सर डाइजेशन शुरू हो गया तो उसमें एनर्जी यूज हो रही है सुभाष जी थोड़ा सा आप मदद कीजिए कुछ इन खाना खाने के बाद पैल्पिटेशन बढ़ जाता है
सर स्टमक में एनर्जी कम है सिंपल बात है ठीक पकड़ा है सुनीता तुमने थोड़ा और आगे जाओ क्यों भाई सुभाष सर इट इज बिकॉज वो फूड लेने के बाद उसको पैल्पिटेशन हो रहा सो देन इट इज कनेक्टेड विद स्टमक ओनली सर स्टमक एंड स्प्लीन यस यू आर राइट sufficient supply of blood stomach में अगर नहीं हो रही है तो heart की palpitation बढ़ जाएगी क्यों नहीं हो रही है sufficient supply बाकी समय बाकी जगह में हो रही है सांस फूलती है कि नहीं पेशेंट को पूछना चाहिए अगर एफर्ट करने से सांस नहीं फूलती है तो एक ट्रीटमेंट होगा और अगर ऑन एफर्ट अगर ब्रेथलेसनेस होती है तो दूसरी ट्रीटमेंट होगी केतन भाई डू यू एग्री हाँ सर अगर ऑन एफर्ट ब्रेथलेसनेस नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट होगी ब्रेथलेस नहीं है सर स्प्लीन ट्रीट करेंगे अरे केतन को दिमाग लगाने दो ही इज वेरी क्रिएटिव दिस मैन इज रियली क्रिएटिव इसने कितना अच्छा प्रोटोकॉल दिया है ग्रुप में हां सर पूछिए मेरा नेटवर्क यहां फार्म हाउस में हूं तो कम आता है थोड़ा देखो भाई ये तो लेवल 1 में हमने ये लेवल 2 में प्रोटोकॉल किया था ये हां ब्रेथलेसनेस ऑन एफर्ट हो रहा हूं तो अगर चलने से तो खाने के बाद भी पैल्पिटेशन अगर बढ़ता है तो हम ये समझ सकते हैं और अगर खाने के बाद पैल्पिटेशन बढ़ता है लेकिन ब्रेथलेसनेस ऑन एफर्ट नहीं है तो क्या क्या समझना चाहिए क्या करना चाहिए आई थिंक विजय कैन आंसर इट एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर खाना खाने के बाद पैल्पिटेशन बढ़ती है तो अर्थ में की कमी हुई ना देखो खाना खाने के बाद ब्लड की सप्लाई बढ़नी चाहिए स्टमक में कि कम होनी चाहिए बढ़नी चाहिए बढ़नी चाहिए ये सप्लाई कौन करेगा हार्ट करेगा हार्ट करेगा अगर हार्ट उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सेल्स को नहीं पहुंचा रहा है क्वांटिटी में तो पैल्पिटेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी यस बढ़ेगी यही हो रहा है अगर दूसरे समय पैर से जब दौड़ते हैं सीढ़ी चढ़ते हैं काम करते हैं उस समय ब्रेथलेसनेस नहीं हो रही है अगर हार्ट की चीक की कमी हो तो कहीं भी एफर्ट होने से ब्रेथलेसनेस होगी सुभाष लिसन इट वेरी केयरफुली और अगर ऑन एफर्ट ब्रेथलेसनेस दूसरे टाइम पर नहीं हो रही है केवल खाना खाने के बाद पैल्पिटेशन होता है इसके मतलब क्या है कि ब्लड जो है वहां पहुंच नहीं इसमें क्यों नहीं पहुंच पा रही क्योंकि जो रिटर्निंग ब्लड है स्टमक से उस रिटर्निंग जो वेन्यूल्स हैं बहुत पतले पतले और वो जुड़े हुए हैं किससे स्प्लेनिक वेन से जुड़े हुए हैं वहां पर डिपॉजिट्स है क्या मतलब हुआ लिवर अटैकिंग स्प्लीन सुभाष डू यू अग्री यस यस सर यस सर यस सर तो लिवर अटैकिंग स्प्लीन कैन कॉज पैल्पिटेशन आफ्टर फूड सुमन ये क्वेश्चन कल पूछना डिटेल में कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट लगेगा यस सर मैंने वैसे बता दिया सुभाष समझ गया और दूसरे लोग समझ गए होंगे अगर नहीं समझ में आई तो कल फिर पूछ लो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स व्हिच पीपल हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड टाइम एंड अगेन इन माय क्लासेस आई एक्सप्लेन टाइम एंड अगेन मैं बार बार अपनी क्लासों में इस बात को बताता रहता हूं समझ में नहीं आती तो दिक्कत जो रिटर्निंग ब्लड है सुमन जी वो नहीं आ रही है
तो जब रिटर्निंग ब्लड नहीं आएगी तो फ्रेश ब्लड वहां कैसे पहुंचेगी? जोर से धक्का मार के पहुंचाना पड़ेगा ना। तो पहले जो ब्लड गई है उसको खाली करोगे तब तो फ्रेश ब्लड जाएगा। तो ऐसे ही हर ऑर्गन का डिफिकल्टी आएगा सर? हर ऑर्गन का नहीं आएगा, जो ऑर्गन में ब्लॉकेज है। नहीं नहीं नहीं, वही लीवर 7 जगह अटैक कर सकती है। हाँ वही, तो कौन से जगह में? अभी ये दिस इट हैज अटैक्ड ऑन स्टमक, स्टमक लीवर अटैकिंग स्टमक लीवर। तो एक ही इसका सॉल्यूशन है, लीवर अटैकिंग स्प्लीन, स्प्लीन वाला मार्क प्लस, या लीवर को अपोजिट फ्लो में चीज स्टैग्नेशन। यस खींच लो। नहीं, व्हाट आई एम टेलिंग इज लाइक दिस, वही तुम्हारा वाला अपोजिट फ्लो वाला मामला। या यू आर द मास्टर। अरे इसीलिए मैंने कहा था विजय समझा सकते हैं इस बात को। मुझे तो अपोजिट फ्लो जब याद आता है तो तुम्हारा फेस आ जाता सामने। थैंक यू, वाज वंडरफुली एक्सप्लेन्ड अदर डे। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ सर, सो बज रहा है, आप क्या बोलेंगे? नहीं एक ही सेंटेंस बोलता हूँ मैं, आई डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। मैं जो समझ में आया थोड़ा बहुत, व्हाट आई एम टेलिंग इज दिस इज अ वेरी गुड थॉट और यू नो एक्सप्लेनेशन गिवन बाय यू, कि ऐसे ही जो है हमारे को हर तरफ से कुछ सिम्टम्स मिल जाते हैं, जैसा आप LI लीवर अटैकिंग, LI लीवर अटैकिंग, किडनी समथिंग लाइक दैट, जो रिटर्निंग ब्लड आता है तो वहां पर रेस्पेक्टिव सिम्टम्स होते हैं फिर। ओके ओके ठीक है, गुड, अच्छा है, बंद करा जाए। बिल्कुल सर। अरे कल के लिए भी तो कुछ छोड़ो, फिर कल की क्लास क्या करेंगे हम लोग? आई होप ऑल ऑफ यू शुड एंजॉय, हम लोग अच्छा समय पास कर रहे हैं, कोरोना में थोड़ा हंस बोल लेते हैं वो भी अच्छी बात है। आधा कोरोना उससे भाग जाएगा, आधा कोरोना उससे भाग जाता है। आई होप यू आर ऑल एंजॉयिंग द क्लासेस, और हम लोग ये TCM का थोड़ा सा ज्ञान हम लोगों को होना चाहिए, अभी 5 एलिमेंट थ्योरी भी हम लोग अच्छे से यूज कर पाएंगे। And we are now discussing TCM formula, of course, but application part. But हम लोग जब दूसरा part में जाएंगे, it will be still better. Okay, good night. Good night, sir. Thank you, sir. Chat में किसी ने good night, sir. Good night, sir. Rajat Khullar बोल रहा है that he is not able to hear. Rajat, are you able to hear now? Rajat. Rajat. I don't know, I don't know. Rajat, are you there? Please unmute. हाँ है ना? He's there. तो राता बीच में। सर एक आज का वीडियो शेयर हो सकता है क्या? कई सारी चीजें मुझे दोबारा से सुनना पड़ेगा, because ये कई सारी चीजें नया था मेरे लिए। Okay, देखेंगे। अभी good night.